हेलो गाइस, जैसे कि पहले पार्ट ने PS2 काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया था और काफ़ी दमदार कलेक्शन था उसका, तो आज इस वीडियो में जानेंगे PS2 का पॉक्स कलेक्शन और OTT अपडेट्स। इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि करंट रिपोर्ट के अनुसार 4 दिन के कलेक्शन में कलेक्ट करके आपको बताने वाला हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि PS2 ने ओपनिंग डे पर आपको 20.70 मिलियन डॉलर देखने को मिलता है, वही इंडियन रुपीस पे कन्वर्ट करें तो 327 करोड़ देखने को मिलता है। वही सेकेंड डे की कलेक्शन की बात करें तो 56 करोड़ देखने को मिलता है इंडियन कलेक्शन के मामले में, और इसका वर्ल्ड वाइड आपको चौथे नंबर पे देखने को मिलता है, चौथे नंबर पे 200 करोड़ का कलेक्शन देखने को मिलता है, और तीसरे दिन में वही आपको 75.25 करोड़ देखने को मिलता है तीसरे दिन के कलेक्शन। तो अब बात कर लेते हैं इसकी OTT रिलीज़ के बारे में, तो पूरा चलिए स्टार्ट करते हैं। OTT रिलीज़ जैसे कि करंट रिपोर्ट के अनुसार आपको Amazon प्राइम का नाम निकल के आ रहा है सामने, और OTT रिलीज़ की बात करें तो आपको करंट रिपोर्ट के अनुसार जून के सेकेंड वीक या थर्ड वीक तक आपको देखने को चांसेस रहेंगे, एक्सपेक्ट है ये। आपको करंट रिपोर्ट के अनुसार यही बताया जा रहा है, ज़्यादा हाई चांस रहेंगे कि BUD प्रीमियर पहले हो, उसके बाद ही आपको देखने को OTT रिलीज़ मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं इसकी, और भी अपडेट्स चाहिए OTT के तो ऊपर में साइड में प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा OTT अपडेट्स के रिलेटेड, तो उसको चेकआउट कर लीजिएगा। और आप एनालिटिक्स करना है एकदम पूरा बॉक्स कलेक्शन एनालिटिक्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं हम किसी नए टॉपिक के साथ और OTT अपडेट और मूवीज के इंफॉर्मेशन और एनिमे के रिलेटेड अपडेट्स लेके आऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और कोई भी इंफॉर्मेशन